अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आज काफ़ी स्टूडेंट को मसला आया था लेक्चर कनेक्ट करने में, तो हम दोबारा से ये ऐप बनाते हैं वेब ब्राउजर की। तो हाउ टू मेक अ वेब ब्राउजर इन MIT ऐप इन्वेंटर, सिंपल सा हमारा ये टास्क है। स्टार्ट प्रोजेक्ट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं वेब ऐप टू, और ये आपका स्क्रीन वन आ गया। अच्छा, स्क्रीन वन का सबसे पहले नाम दे देते हैं ब्राउजर, तो यहाँ पे ब्राउजर लिखा हुआ आ गया स्क्रीन वन का नाम। स्क्रीन वन में एक बटन डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लेआउट पे। मैं वर्टिकल लेआउट यूज कर रहा हूँ, आप हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी यूज कर सकते हैं, मैं वर्टिकल अरेंजमेंट यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर बटन डाल देते हैं, ये बटन वो है कि इसको क्लिक करूँ मल्टीपल स्क्रीन। आज हमारा टॉपिक था ना, मल्टीपल स्क्रीन वाला काम कर रहा है सर। अच्छा, इनको आप सेंटर कर दें, सेंटर कर दें, अलाइनमेंट अलाइनमेंट सेंटर कर दें, हाइट फिल पेरेंट और फिल पेरेंट, सही है। तो बटन आपका सेंटर में आ गया। बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें और इसका नाम रख दें मूव टू स्क्रीन टू, सही है। जैसे हम स्क्रीन टू पे खोल जाए, या इसको कर देते हैं स्टार्ट ब्राउजिंग, क्योंकि इससे हमारा ब्राउजिंग स्टार्ट हो। अच्छा, अब इसकी प्रोग्रामिंग में हमें ये करना है कि हमें प्रोग्रामिंग ब्लॉक पे जाना है। इस बटन पे, इस बटन का नाम दे देते हैं मूव टू स्क्रीन। इस पे वैन और ये लगा देते हैं, और इस पे हम कंट्रोल्स पे जाएंगे, और कंट्रोल्स पे जाने के बाद आपको करना है ओपन अनदर स्क्रीन, ये लाजमी है। और ओपन अनदर स्क्रीन लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है स्क्रीन नेम। तो स्क्रीन का नेम देना है, तो नेम जब भी देना हो तो टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे और टेक्स्ट में नेम दें। अच्छा, टेक्स्ट में नेम क्या देंगे, अब स्क्रीन ऐड करते हैं ब्राउजर के लिए। तो ऐड स्क्रीन पे क्लिक किया है ऊपर, और स्क्रीन का नाम रख देंगे आप वेब, वेब ब्राउजर है तो वेब। तो अभी स्क्रीन ऐड हो रही है, ये आपकी स्क्रीन ऐड हो गई। देखें, ये आपकी स्क्रीन वन है जिस पे बटन है, और ये आपकी स्क्रीन टू है। जो स्क्रीन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसी की प्रोग्रामिंग खुलेगी। तो स्क्रीन वन सिलेक्ट की, स्क्रीन वन के ब्लॉक पे गए और यहाँ पे इसका नाम लिख दिया। क्या नाम है, स्क्रीन वन से स्क्रीन टू जाना है तो स्क्रीन टू का नाम लिख देंगे वेब, वेब ही रखा है ना, स्क्रीन टू का नाम ये रहा वेब। तो भाई ये तो सिंपल था, स्क्रीन वन की प्रोग्रामिंग खत्म हो गई। अब हम स्क्रीन टू पे अपना वेब ब्राउजर बनाना शुरू करते हैं, सही है। इसकी डिजाइनिंग वगैरह आपकी होमवर्क है कि आप इसका डिज़ाइन कितना अच्छी तरह बनाते हो। मैं सिर्फ बेसिक ऐप बना के आपको दे रहा हूँ। लेआउट में गए, अब मैं अच्छी तरह बता चुका हूँ हमारे पास जो बटन्स होते हैं वो होते हैं चार ब्राउजर में, फॉरवर्ड बटन, बैकवर्ड बटन, होम बटन और गो बटन, और एक होता है टेक्स्ट यूआरएल बॉक्स। तो इसको हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बीच में डाल देते हैं। जो बैक बटन है, या बटन का नाम दे देते हैं इधर, बटन वन को दे देते हैं बैक बटन, बटन टू को नाम दे देते हैं फॉरवर्ड, बटन थ्री को नाम दे देते हैं होम बटन। अच्छा, बटन फोर यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, एक और बटन ऐड कराना है, और इसको आप नाम देंगे गो बटन। आप इधर यहाँ पे नाम दे देते हैं, जो टैक्स फॉर H1 है उसको फॉरवर्ड का साइन दे देते, बैकवर्ड का साइन दे देते हैं। बैकवर्ड का आ गया, बैकवर्ड में ये आ गया लेस देन ग्रेटर देन, फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड का आ गया। अच्छा, ये हमारा गो बटन है, तो इसमें हम गो लिख देते हैं। गो ये है कि जब आप URL डालो तो इसको गो कर दो। अच्छा, गो बटन हमारा URL के बाद आना चाहिए, तो अभी इसको सही करते हैं। और एक लास्ट बटन है हमारा होम बटन, तो होम के लिए सिंपल H यूज़ कर लेते हैं, H, सही है। अच्छा, गो बटन इधर कर देते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया, बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, होम बटन और गो बटन।
अच्छा, जब भी हम वेबसाइट वगैरह का हमें व्यूवर दिखाना हो तो हम वेब व्यूवर यूज करेंगे जो कि यूजर इंटरफेस में लास्ट में है। तो वेब व्यूवर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको, सही है। वेब व्यूवर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको ब्लॉक्स में जाना है, और ब्लॉक्स पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे स्क्रीन, क्योंकि वेब स्क्रीन वन पे आपका स्क्रीन टू हुआ था, तो देखिए वेब वाली स्क्रीन बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे अब आपको ब्राउजर की वो करना जरूरी है। अब ब्राउजर के ब्राउजिंग के लिए प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। बैक बटन का भी ले लेते हैं, वैन और डू, फॉरवर्ड का भी ले लेते हैं, होम का भी ले लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स को आप कर दो URL, टेक्स्ट बॉक्स जो लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स वन, इसका नाम कर दो URL, क्योंकि यहाँ पे हमारा URL आएगा। URL means www.google.com, www.facebook.com, वो बटन आ गया और URL भी आ गया, सब बटन आ गया हमारा, बैक, फॉरवर्ड, गो, URL और सब। अच्छा, जब बैक बटन क्लिक हो तो अब देखो सारे ब्लॉक आपको वेब व्यूअर से मिलेंगे। जब बैक बटन क्लिक हो तो बैक वाला देखो, कैन गो बैक, कैन गो बैक नहीं, हमें कॉल वाला चाहिए, कॉल गो बैक, सही है। इसी तरह फॉरवर्ड के लिए कॉल गो फॉरवर्ड, ये रहा। और होम के लिए कॉल गो होम, सही है। अच्छा, अब व्हेन यूआरएल क्लिक, जब यूआरएल क्लिक हो तो क्या हो आपके पास, तो देखो यूआरएल पे जाना है आपके पास, आपको यूआरएल पे जाना है, यूआरएल पे नीचे स्क्रॉल करते जाना है, करते जाना है, और यहाँ पे ये लेना है आप, सेट यूआरएल टैक्स, सही है। तो ये आपको ये काम तो लाजमी करना है। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, सब सही किया हमने, फॉरवर्ड बटन, रिवर्स बटन, गो बैक, गो फॉरवर्ड। सही है, सब सही है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमारा यूआरएल हो गया। अच्छा, यूआरएल में क्या लिखा हुआ है, यूआरएल टैक्स टू, तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, और यहाँ पे आप टैक्स दे देंगे, इधर टैक्स में आप लिख देंगे https://, ये आपको लिख देना, सही है। अभी मैं बताता हूँ ये क्यों लिखा है मैंने। अच्छा, गो के बटन में क्या हो रहा है, गो के बटन में ये हो रहा है कि जो आपका, आपको जाना है वेब व्यूअर में। गो का मतलब ये है कि जैसे कि गूगल पे मैं URL लिखता हूँ ना, URL यानी कि www.facebook.com, google.com, तो मैं जब इंटर करता हूँ ना तो ये गो हो जाता है। तो यानी कि आपको URL को गो करवाना है, तो ये रहा गो टू URL। देखो ये क्या लिखा हुआ, गो टू, मैंने नाम इसलिए गो होम वगैरह लिखवाए ताकि आपको ब्लॉक्स भी वही मिले। तो गो टू URL भी करा आपने इसको, और दोबारा से आप जाओगे URL में, और जहाँ से हमने सेट टैक्स वाला लिया था ना, ये रहा सेट टैक्स, इसके ऊपर जाना है आपको, ये नहीं लेना, इसके ऊपर है URL टैक्स, बस ये ले लेना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी इधर टैक्स में होगा URL, वो इधर वो गो में डाल देगा। मतलब इसके मैं साफ कर देता हूँ इसको यहाँ पे, मतलब जो भी इस URL में होगा वो गो में आ जाएगा, इसका ये मतलब, क्योंकि हमने ये स्मॉल वाला ब्लॉक लिया, ये वाला। तो यहाँ पे भी देखो URL टैक्स, URL टैक्स, ये हो गया आपका। HTTPS क्यों लिखवा है इधर, तो अगर आप देखो हमें ब्राउजर में ये बिल्ट इन देना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे facebook.com लिखता हूँ ना, ये देखो facebook.com खुल गया, तो देखो यहाँ पे HTTPS नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, अरे गलती हो गई, ये देखो यहाँ पे HTTPS नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, लेकिन इधर अगर आप डबल क्लिक कर दो ना तो देखो HTTPS आ जाता है, ये बिल्ट इन होता है। तो देखो यहाँ पे ये विजिबल नहीं था, लेकिन ये फिर भी था। इसी तरह मैं अगर YouTube लिखूँ तो देखो YouTube पे भी ये विजिबल नहीं था, फिर भी है। ईमेल करूँ तो देखो जीमेल पे भी विजिबल नहीं है, लेकिन डबल क्लिक करूंगा HTTPS आ जाएगा। तो HTTPS हमें बिल्ट इन बनाना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे बिल्ट इन बना दिया, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पे रखते हैं। तो ये बिल्ट इन होता है, तो हमें अपने भी वेब ब्राउजर में इसको बिल्ट इन बनाना होगा, तो हमने बिल्ट इन कर दिया। अब दोबारा से हम डिजाइनिंग ब्लॉक पे जाते हैं, और डिजाइनिंग में यहाँ पे वेब व्यूअर है ना, यहाँ पे होम URL सेट करना है आपको, तो इधर HTTPS दे दो आप।
मतलब मैं जब होम पे क्लिक करूँ ना, तो HTTP, ये आपका होम URL आपका क्या होगा, ये होगा HTTPS। इसको आप www.google.com भी कर सकते हो। तो आपका होम URL मतलब जब आपकी विंडो खुलेगी ना, तो आपका गूगल खुल जाएगा। जब आप ब्राउजर खोलोगे तो गूगल खुल जाएगा। तो इसको एम्प्टी रखें, क्योंकि ब्राउजर जब मैं खोलूँ तो वो एम्प्टी हो, फिर मेरी मर्जी, मुझे गूगल खोलना हो या कुछ भी खोलना हो मेरे ऊपर है। तो हम इसको यही रखते हैं। अच्छा, अब हम अपनी ऐप को यहाँ पे चेक करते हैं। एयर मोड पे कनेक्ट करवाते हैं ताकि मैं आपको दिखा भी सकूं कि हो क्या रहा है। ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको नज़र आए कि ब्राउज़र कैसे चल रहा है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर ऑन हो गया। अब ये देखें, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। पहले तो मैं MIT App Inventor से कनेक्ट कर लूँ ऐप को। अच्छा, रीसेट कर देते हैं, ऐप कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि। अब हो रहा है। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेरे पास ऐप खुल गया है। अब अगर मैं इसके टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, गूगल। देखो यहाँ पे HTTPS पहले से आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया था। तो google.com लिखा आपने और गो पे क्लिक किया, तो ये देखो आपका google.com आ गया। सही है। इसी तरह फेसबुक, गो पे क्लिक करते हैं। ये आपका facebook.com खुल गया। तो देखो ये इस तरह से खुल रहा है आपका ना। अच्छा, अब आपको क्या करना होगा कि ये जो आपका एच और गो है ना, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो इधर आप बटन का साइज वगैरह करके इसको एडजस्ट कर लेना। तो इस तरह से ये, अच्छा ये रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि खुद ही स्क्रोल हो जाएगी स्क्रीन आपकी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे गूगल दोबारा लिखूँ ना, google.com, थोड़ा वेट करना ही हो चल जाएगा फिर ना, मतलब अगर आपका थोड़ा टाइम ले। अब ये देखें, जैसे कि ये है तो ये रिस्पॉन्सिव है, स्क्रोल देखें खुद आ रहा है। और जूम का बटन भी आपके पास बिल्ट इन है, देख रहे हैं आप, फिंगर टू जूम। तो ये फीचर जो है परफेक्ट ऐप बनाती है आपका। और ये आपको खुद वेब व्यूअर ने दिया हुआ है ये फीचर। तो बहुत अच्छा सा ब्राउज़र आपका HD में खुल गया। आप यहाँ से यूट्यूब वगैरह सब खोल सकते हो अपने ब्राउज़र में, और अपने ब्राउज़र से ही सर्च कर सकते हो। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, जो आपका होमवर्क है। एक तो ये है कि इस वाली ऐप को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है। सही है। सेकंड काम आपका ये है कि जो आपने स्क्रीन वन पे जो स्टार्ट ब्राउजिंग का किया था ना, यहाँ पे एक और बटन लेना है, इसका नाम रखना है स्टार्ट एंड मैश। सही है। और इस बटन का नाम रख देना है मूव टू एंड मैश, मूव टू एंड मैश। तो आप अब आपका जब ये क्लिक होना चाहिए ना, तो आपका एंड मैश चल जाना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले तो आप ब्लॉक्स में जाओगे, इसी ब्लॉक को कर लेना डुप्लीकेट। एक मिनट, इसको नहीं, इसको कर लेना ये क्या हो रहा है, इसको डुप्लीकेट कर लिया आपने। और इधर मूव टू स्क्रीन टू को आपने कर दिया मूव टू एंड मैश। अब ये हो गया दोनों सेम। अब स्क्रीन नेम, तो देखो वेब के लिए जब हम वेब ब्राउजर बना रहे थे तो वेब की स्क्रीन थी,
तो अब हमें एक और स्क्रीन ऐड करानी पड़ेगी एंड मैच की, तो स्क्रीन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं एंड मैच, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट वेब नहीं आएगा, अब एंड मैच आ जाएगा एंड। अच्छा ये खुल गई है, इसको ये एम टी एंड मैच खुल गई है। वापसी हम स्क्रीन वन पे आते हैं, उसके ब्लॉक्स पे आते हैं और इसको एंड मैश कर देते हैं, एंड मैश, ठीक। तो आपकी इसकी अब इसका क्या मतलब हो गया कि जब मैं मूव टू ये करूंगा ना, जब स्टार्ट एंड मैश पे, तो एंड मैश की स्क्रीन खुल जाएगी। भाई ये तो एम्प्टी है, तो आपको करना यही काम तो है कि आपको पूरा यहाँ पे एंड मैश का गेम दोबारा से बनाना है, जो आपका बना हुआ है उसको डिजाइन करना है, फिर उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, सही है। तो आपको यही वाला काम करना है, तो आपका गेम प्लस ये मल्टीपल पेज एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। अच्छा मैं आपको एक आसानी बना देता हूँ, डिजाइनिंग तो आपको पूरी करनी पड़ेगी लेकिन ब्लॉक आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। जो ब्लॉक प्रोग्रामिंग थी ना, ये आपको दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो आपको क्या करना है, ब्लॉक में जैसे कि ब्लॉक यहाँ पे एम्प्टी है इसका, आपको माय प्रोजेक्ट में जाना है और माय प्रोजेक्ट में जाने के बाद एंड मैश का प्रोजेक्ट खोल लेना है। अच्छा मैंने अभी तक एंड मैश बनाया नहीं है अपने पास, तो मैं ऐसे रैंडम प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये बिग ब्रेन टॉम, इस पे क्लिक करते हैं। आप अपने एंड मैच पे ही जाओगे, सही है। अच्छा ये तो एक गेम था शायद, ये आप सी अच्छा ये गेम था उजैफा का, वही बिग ब्रेन जैसे आप लोगों ने किया है ना वैसे ही, ये एंड मैच की तरह है। अच्छा तो आपको क्या करना है, तो ब्लॉक्स में जाओगे और जैसे कि ये कैनवास वगैरह के फीचर्स थे ना, तो देखो आपको डिजाइन तो पूरा बनाना पड़ेगा लेकिन ब्लॉक्स में आपकी बचत हो सकती है। क्या बचत हो सकती है कि आप ये जो प्रोग्रामिंग ब्लॉक है ना, इसको कर दो ऐड टू बैकपैक, सही है। ये बैकपैक में चला गया आपका, अब दोबारा से आप आओ माय प्रोजेक्ट्स में और इधर आ जाओ वेब टू जो अभी हमने बनाया है। इधर देखो ये एंड मैश एम्प्टी खुल गया है, ये वही है स्क्रीन वन वेब एंड मैश, और ये इसका डिजाइन ये रहा। तो आप एंड मैश का आपको खोलना है स्क्रीन और उसकी प्रोग्रामिंग में जाना है, और जो आपने ऐड टू बैकपैक कराया है ना, ये बैकपैक के अंदर हुआ है जो पर्पल कलर का, ये आ गया नीचे आ जाओ, ये आ गया कैनवास, कॉपी किया पेस्ट किया, सही है। तो देखो आपकी प्रोग्रामिंग सारी वहां से कॉपी हो जाएगी। डिजाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन आपको पूरा वही सेम टू सेम बनाना पड़ेगा जो आपने वहां पे बनाया, जहाँ से आपने प्रोग्रामिंग कॉपी की है। और एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जो आपने वहां पे काम किया है वही सेम यहाँ पे करना पड़ेगा, कि आपने जो जो नाम दिया है ना इधर, हिट काउंटर लेबल और हिट, ये इस पे क्रॉस इसलिए बना हुआ आ रहा है क्योंकि ये अभी डिजाइनिंग में मौजूद नहीं है। तो आपको यही वाला काम करना पड़ेगा कि इसके यही सेम नाम रखने पड़ेंगे, तो ये क्रॉस सारे हट जाएंगे। तो बस आपका होमवर्क यही है कि आपको मल्टी पेज एप्लीकेशन बनानी है, जिसमें स्टार्ट में स्क्रीन पे दो या तीन जितने भी बटन आप लगाना चाहो उससे आप मूव आगे कर जाओ। और सेकंड टास्क ये है कि ब्यूटीफुल बनाना है, ये स्टार्ट स्क्रीन को भी ब्यूटीफुल बनाना है, वेब ब्राउजर को भी ब्यूटीफुल बनाना है। तो मैं आपका ये देखूंगा आपका होमवर्क, और आप वीडियो शेयर कर देना अपनी मेरे साथ, और बस यही आपकी क्लास थी। अल्लाह हाफिज़।